मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आपे से बाहर, 3669 मजीद अफराद शिकार, एक दिन में 20 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क की लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। ड्राफ्ट ने दरामद वैक्सीन की कीमत तजवीज़ कर दी। सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मुल्क में कोरोना के वार बढ़ने लगे, सूरत हाल तश्वीशनाक हो गई। आज फिर NCOC की बैठक लगेगी। अहम फैसले मुतवक्के, स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफे पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में दफा 188 लगाने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला 24 मार्च को किया जाएगा। शफकत महमूद कहते हैं तलबा, असातिज़ा और अमले की सेहत ज़्यादा अहम है। मरियम नवाज की नाब पेशी से कबल अबूरी जमानत कराने का फैसला, दरख्वास्त का इब्तदाई मुसवदा तैयार कर लिया गया। अबूरी जमानत की दरख्वास्त 24 मार्च को दायर की जाएगी। अबूरी जमानत के लिए मरियम नवाज को खुद लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली क्या, बिलावल भुट्टो जरदारी आज जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा लाहौर जाएंगे, सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शिबली फराज को अहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार, लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत का वजारत इत्तला के अफसरान की कमरा अदालत में तलबी के बगैर पेशी पर इजहार बरहमी, जस्टिस शाहिद करीम ने अफसरान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। और मुल्क भर में बरसात की एंट्री, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाड़काना में बारिश से हादसात में जाँबहक अफराद की तादाद 4 हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।